इस कल के दिन में मेरा व्लॉग एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने आपको मेरा रिसॉर्ट नहीं दिखाया था जहाँ पे हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं। सो हम लोग स्टे कर रहे हैं सैविज रिसॉर्ट, जो कि आता है कोरला बीच के पास में। अगर आप कोरला एंड काशिद का प्लान कर रहे हो, जस्ट कोरला एंड काशिद, तो आई थिंक ये बेस्ट लोकेशन है। और रूम्स बहुत अच्छी है, व्यू बहुत सही है, व्यू तो मैं दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे बहुत सारी जगह भी है, तो चलो उसको एक्सप्लोर करते फटाक से। यहाँ पे पैरेट से वाओ वाओ पैरेट, और वहां पे भी ऊपर वाओ। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट मस्त है। सो ये है रिसोर्ट, सैविज रिसोर्ट, एंड ये उनका मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे ऊपर स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस से फिर ऊपर रूम्स है, उस रूम्स में स्टे कर सकते हो। फिलहाल अभी उसका थोड़ा वर्किंग में काम चल रहा है। और ये है यहाँ का व्यू। सो ये सब मस्त व्यू है। यहाँ पे देवेश की बाइक खड़ी है, वहाँ पे अपनी ओरा खड़ी है, एंड टियागो खड़ी है। और ये पूरा पार्किंग स्पेस है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप खेल भी सकते हो, एंड बच्चे रहेंगे तो खेल सकते हैं। और ये मस्त सा गार्डन, और यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉन एरिया है, आगे झूला है, तो उस झूले पे भी अपन जा सकते हैं। तो ये है मस्त ऐसे झूला, और ये छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो इसका चार्जेस अलग लगता है। ऊपर वो रूम है जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल थोड़े फ़ोटोज़ ले रहा था, तो ये रूम है ऐसे मस्त, ट्री हाउस बोल सकते हैं उसको। और ये मस्त ट्री, और उस पर वो हाउस है। उसके बाद में उधर है भैंस, और यहाँ पे मस्त इसे ये टेबल है जहाँ पे आप रात को कुछ चिल कर सकते हो। और ये ऐसा व्यू। अभी हम लोग हैं नगाव बीच के उधर, और यहाँ पे मस्त व्यू है, बहुत सारी चीज़ें भी दिख रही है। एंड मेरे साथ है यहाँ पे अनुज, और इधर मेरा आधा ग्रुप। तो हम लोग ने अभी लींबू शरबत पिया, एंड वो था कुछ 10 रुपये का। अभी हम लोग हैं नायगांव बीच में, और वहाँ पे एक होटल है अच्छा, तो वहाँ पे हम लोग ने अलग अलग थाली मंगाई है, सुरमई थाली, पापलेट थाली, जो 350 रुपीज़ तक आ जाती है। एंड टेस्ट अभी हम लोग देखते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा उस थाली का व्यू। तो मेरे साथ है पूरी पे पास में ही KTM का सर्विस सेंटर है, एंड यामाहा का भी है, होंडा भी है। तो KTM का सबसे ज़्यादा पास में, तो वहाँ पे बजाज की बाइक का भी कुछ हो गया तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज बजाज एंड KTM टुगेदर वर्क करते हैं, तो वो हो जाएगा। बाकी अदर बाइक्स के लिए नॉर्मल मैकेनिक्स है, बट थोड़ा सा लंबा लंबा जाना पड़ेगा,
और पेट्रोल पंप्स की भी कोई टेंशन नहीं है, पेट्रोल पंप्स भी नियर बाय, बट अगर सीएनजी कार है आपकी तो सीएनजी कार को आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा, बिकॉज कैसा है कि यहाँ पे सब टूरिस्ट आते हैं तो उनकी कार्स एंड उसके लिए वेटिंग में रहना पड़ेगा सीएनजी रहेगी तो। और एक टिप, जैसे कि आप अगर स्कूटी लेके आ रहे हो तो स्कूटी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे रहते हैं जो आपको हर जगह पे अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आई विल प्रेफर कि आप वैसी स्कूटी लेके आना जिसका सर्विस सेंटर यहाँ पे नियर बाय है। एंड एक बैकअप, देखो कभी भी बैकअप रखना कोई भी चीज़ का, तो अगर स्कूटी और बाइक को कुछ भी हो जाता है तो कितना खर्चा लगेगा, क्या होगा, एक बैकअप रख देना, वो अपन को स्पेंड नहीं करना, पर एक बैकअप रख सकते हो ऑलवेज कि तो बहुत अच्छा लगता है जब फैन फॉलोइंग एंड फैंस से मिलते एंड बहुत अच्छा लगा कि उसने मुझे फ़ोटो लिया है एंड ही विल बी टैगिंग ऑल्सो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज, सो ही वॉज रियली एक्साइटेड टू राइड विथ मी। यस, इन फ्यूचर देखते हैं करेंगे पब्लिक। अभी हम लोग एक काशी बीच पे, सो अभी बज गए हैं कुछ 4 to 5 PM अप्रॉक्स और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे काशिद बीच का व्यू। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए तो वाटर स्पोर्ट्स एंड सब कुछ बंद कर दिया है, बट या कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो आप ट्राई कर सकते हो, बाय रोड बहुत मज़ा आया, तो वही चीज़ है, तब तक व्यू एंजॉय कीजिए।